ओम साई राम। सभी साई बाबा भक्तों का मेरा प्रणाम। मैं लक्ष्मी कुमारी साई गीता चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ। पहले कुछ एपिसोड्स में मैं के पार्वती कुमार जी, उनके परम भक्त हैं साई बाबा के, उनके किताब जो मिला था उनमें साई बाबा उनको सपने में साक्षात्कार होके उनको 161 वचन बताए थे। तो फिर उनको बताने के बाद फिर लिख के और बुक प्रिंट कराने को बोले थे ताकि सब भक्त उसको पढ़ के माने उसे बेनिफिट हो सके, उनके जीवन के लिए उपयोगदारी हो। ऐसा है, हम लोगों को तो यहाँ एक बताना चाहूँगी, 11 वचन हमें मालूम है तो बाबा के हम लोग इतने खुश हैं और इतना उससे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस को, हमारे एक्सपीरियंसेस को उसे रिलेट कर रहे हैं हम। तो फिर ऐसा ही है, और 161 वचन हमें ये डायरेक्टली फ्रॉम बाबा, दे आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम बाबा थ्रू पार्वती कुमार जी। तो फिर वो जान के हमें बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा होगा और हम भी खुश रहेंगे बोल के। मुझे ये किताब मिला तो बीच में तो मुझे थोड़ा गैप आ गया, वो बाबा का कब हमें परमिशन रहता तभी होता है सब कुछ। थोड़े बहुत मैं शादी में इधर उधर गई थी, मेरा न्यू के उसके बाद मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था कि वट एवर बी द रीज़न, कुछ तो रीज़न है वो तो नहीं हुआ, लेकिन मैं स्ट्रांगली आज से करना चाह रही हूँ। देखूँगी बाबा की कृपा से अभी भी मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो फिर ये किताब का नाम ही है अमृतवाणी, साई की अमृतवाणी। देखिए बाबा का ये सब वचन है, अमृतवाणी बोलते हैं। इसमें से मैं पहले 15 वचन आप सभी को पढ़ के सुना चुकी हूँ और 16 वचन से 16 से अभी और कुछ आपको पढ़ के सुनाऊंगी। 16 वचन का हेडिंग है 16वें का चाहत। अगर तुमको मुझ में विश्वास और भक्ति है तो सच्चे मन से प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, यह मेरा वादा है। इसके लिए तुम्हें अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं है। मांगने पर मिलना, ना मांगने पर नहीं मिलना ऐसा संभव नहीं है। मेरे आश्रय में आने वाले का समस्त भार मैं ही वहन करूँगा। अलग से कुछ मांगना तुम्हारी सोच की दरिद्रता है, ऐसा बोल रहे बाबा। 17वां रूप धारण। तुम कभी भी मेरे बारे में ऐसा मत सोचना कि मैं हमेशा प्रेम, अनुराग या शांति की मूर्ति हूँ। बाबा ये कह रहे हैं, मैं अग्नि की ज्वाला के समान क्रोधित होता हूँ, प्रलय के समान डराता हूँ, यवराज की तरह सजा भी देता हूँ। तुम्हारे उद्धार के लिए ही मैं सभी तरह के रूप धारण करता हूँ, ये बता रहे हैं बाबा। मेरी दोस्ती 18वां मुझसे स्नेह करने से मन शांत रहेगा। इस प्रकार के मन को क्रोध, चिड़चिड़ापन, भय, घबराहट, द्वेष, मात्सल्य और काम जैसे दुर्गुण नहीं रहेंगे। अगर तुम्हारे मन में ये सब है तो तुम्हें मेरी दोस्ती नहीं मिलेगी, वो बोल रहे बाबा। रूप ये 19th है वचन। तुम मुझे किसी विशेष रूप से नहीं पहचान सकते क्योंकि मेरे बहुत सारे रूप हैं, अर्थात मैं बहुरूपिया हूँ। मेरी पहचान मेरी सानिध्य के द्वारा आने वाली मिठास है, इसका संबंध रूप से नहीं है। मेरा सानिध्य सदैव और शाश्वत है, लेकिन मेरा रूप क्षणिक है। मेरा सानिध्य पाने के लिए तुम मेरे रूप का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये वाला 20th है सच्ची भक्ति। मैं मस्जिद में रहता हूँ लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं हवन करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ। जिस दिन हिंदू अल्लाह को, मुसलमान राम को समझेंगे उसी दिन उन्हें सच्ची भक्ति प्राप्त होगी। भगवान को अपनी संकुचित सोच से बंधित मत करो, ऐसा करने से ये बंधन केवल तुम्हारे लिए ही रह जाएगा। भगवान शुद्ध चेतना है जो संकुचित भावों को समर्पित नहीं होगा, ऐसा बोल रहे बाबा। देखो 21 भिन्नता, इसका हेडिंग है भिन्नता। मैं मस्जिद में रहता हूँ केवल
इस कारण मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं निरंतर धूनी जलाता हूँ, केवल इस कारण से मैं हिंदू भी नहीं हूँ। मैं हिंदू और अल्लाह के द्वारा और मुस्लिम को राम के द्वारा संबोधित करता हूँ। वास्तव में मैं शुद्ध चेतना स्वरूप हूँ, चाहे वे राम हो या अल्लाह, शुद्ध चेतना स्वरूप ही है। इनमें भिन्नता आप लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं। सब हिंदू मुस्लिम एक है, यूनिटी के लिए बाबा ये सब भक्तों के लिए बता रहे। देखें और ये 22 है, 22nd, तुम और मैं, बाबा ऐसा बता रहे। जब तक तुम अपने आप को नहीं समझ सकते, तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। मैंने अपने आप को अच्छी तरह से समझा है, इसलिए मैं तुम लोगों को भी अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। तुम में मैं की तरह हूँ और मुझ में तुम मैं की तरह ही हो, ऐसा बोल रहे। नेक्स्ट 23rd, मेरा सानिध्य अस्वस्थ को स्वस्थ करता है, दुष्ट को सज्जन बनाता है, दुर्गम कार्यों को सुगम बनाता है, उन्नति से भलाई का मार्ग दिखाता है, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है, तुम्हें अपनी पहचान बताता है। बाबा का सानिध्य के बारे में बताते हुए ये सब कहे बाबा ने। नेक्स्ट वाला 24th है, बादल। जीवन में आने वाली समस्याएं आकाश में छाए बादल की तरह हैं। जिस तरह काले बादल नीले आकाश को ढक देती हैं, उसी प्रकार समस्याएं भी तुम्हारी प्रज्ञा को ढक देती हैं। काले बादल आकाश में शाश्वत नहीं होते, उसी तरह तुम्हारी समस्याएं भी बारिश के छींटों के बाद जिस तरह नीला आकाश काले बादलों से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे कर्म पूरे हो जाने पर समस्याएं अदृश्य हो जाएंगी। तुम हमेशा शुद्ध नीला आकाश हो, काले बादल नहीं, ऐसा आश्वासन दिला रहे बाबा। 25 है ये 25th वाला, अच्छी नस्ल का कुत्ता। तुम्हारा मन गली के कुत्ते की तरह तुम्हारे शरीर, परिवार, जायदाद और दूसरों के बारे में सोचता घूमता रहता है। असली नस्ल वाला कुत्ता अपने कर्तव्य के बारे में सचेत रहकर आराम से ही रहता है। उसी प्रकार अपने मन को नियंत्रित कर अपने कर्तव्य से सचेत रहकर बाकी समय में तुम में रहने वाले मैं में रह सकते हो। अपने गली के कुत्ते रूपी मन को अच्छी नस्ल के कुत्ते रूपी मन में बदलने की कोशिश करो। बाबा ये बता रहे हैं हमें अच्छे क्वालिटीज लाने के लिए। यहाँ तक मैं 25th तक कंप्लीट करी हूँ, और बहुत लेंदी बन जाएगा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में और थोड़े बहुत आप सभी से शेयर करूँगी। मैं यहाँ कंक्लूड करना चाहूँगी। ओम साई राम, ओम साई, ओम साई राम। हम हमेशा की तरह हम सभी के ऊपर बाबा की कृपा बरसाती रहे, और उनकी कृपा करुणा के छत्र छाए में हम सभी लोग खुश, स्वस्थ और अच्छे रहें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।